फरवरी से 2 मार्च तक खिलौना मेले का आयोजन किया गया है। एक खिलौना बच्चों की खुशियों को दो गुना कर देता है, बच्चों को अलग ही दुनिया में ले जाता है। खिलौने का एक एक रंग बच्चे के जीवन में कितने ही रंग बिखेरता है। हमारे देश के खिलौना उद्योग में बड़ी ताकत छिपी हुई है, इस ताकत को बढ़ाना है, इसकी पहचान को बढ़ाना है। देसी खिलौने को बढ़ावा देने के मकसद से देश का पहला खिलौना मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल टॉय फेयर का शुभारंभ किया, जो 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। प्यारे बच्चों, ये पहला टॉय फेयर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है, ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया था, ऐसे में देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से इस मेले का आयोजन किया गया। आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं, सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं। साथियों, रीयूज और रीसाइक्लिंग जिस तरह भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं, वही हमारे खिलौनों में भी दिखता है। ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली चीजों से बनाते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। यह कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूती देने की एक पहल है। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।